आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चांद की धरती पर भारत चंद्रयान 2 देगा चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी जानकारियां जो आएंगी दुनिया के सामने। जारी है कमलनाथ सरकार पर घमासान, दिग्विजय बोले अनुशासनहीनता के मामले में सोनिया गांधी और कमलनाथ कोई फैसला नहीं। शिवराज सिंह का कमलनाथ सरकार पर निशाना, कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला का आरोप, बिना लिफाफा मंत्री नहीं करते हैं काम। और कांग्रेस में अनुशासन का पता नहीं, अब जारी है दिग्विजय समर्थकों की बयानबाजी। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। चांद के दक्षिणी ध्रुव में अब रहस्यों का पर्दा उठ जाएगा। भारत का चंद्रयान एक साथ कई सारे अध्ययन यहां करेगा। चंद्रयान 2 की मदद से पहली बार दुनिया के सामने चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी जानकारियां सामने आ सकेंगी। यह सब भारत के एक बड़ी उपलब्धि है और अब चंदा मामा दूर के नहीं है। भारत का चंद्रयान 2 अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रहा है। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में है, जहां अब तक किसी भी देश का यान नहीं पहुंच सका है। ऐसे में चंद्रयान 2 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत के साथ ही दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल चंद्रयान 2 की मदद से पहली बार दुनिया के सामने चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी जानकारी सामने आ सकेगी। ये चंद्रमा पर आगे के मिशन के लिहाज से बेहद खास हो जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन पर भारत के साथ ही अन्य देशों की भी नजर है, क्योंकि इस मिशन के जरिए चंद्रमा से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां सामने आएंगी जो अब तक अनछुई रही हैं। मिशन का खास उद्देश्य वहां पानी और उसके संकेतों की खोज करना है। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह के तत्वों का अध्ययन करेगा। वहां की चट्टान और मिट्टी किन तत्वों से बनी हुई है इसे देखेगा। वहां मौजूद चोटियों और खाइयों की स्टडी करेगा। चंद्रमा की सतह का घनत्व और उसमें परिवर्तन की स्टडी करेगा। चंद्रमा के आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा का अध्ययन करेगा। चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर है। इस अवधि के दौरान रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर कई प्रयोग करेगा। मुख्य ऑर्बिटर मिशन की अवधि 1 साल रहेगी। इसरो के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्रेटर्स पर अरबों वर्षों से सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचा है। ऐसे में उनमें सोलर सिस्टम की उत्पत्ति का रिकॉर्ड छुपा हो सकता है। इसरो ने वहां बड़ी मात्रा में पानी होने का अनुमान भी लगाया है। इसके साथ ही चंद्रयान 2 से मिली जानकारी भविष्य में चंद्रमा के लिए भेजे जाने वाले चंद्रयान के लिए बेहद काम की होगी। इसरो इस जानकारी की मदद से चंद्रमा पर मानव यान को भेजने के लिए भी जरूरी जानकारियां जुटा सकेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक अजीब सा बयान सामने आया है। ममता का कहना है कि देश में आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने के लिए चंद्रयान 2 मिशन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोदी के सत्ता में आने से पहले इस तरह के मिशन शुरू ही नहीं हुए थे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी है, इससे ध्यान हटाने के लिए चंद्रयान 2 मिशन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मोदी के सत्ता में आने से पहले इस तरह के मिशन शुरू नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ममता ने कहा कि आप अमेरिका, रूस और इसराइल को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बंगाल को नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। ममता सरकार की ओर से पेश किए गए इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। बीजेपी विधायक स्वाधीन सरकार ने बंगाल में भी NRC की मांग की है। 12 सितंबर को ममता बनर्जी असम जा सकती है। इस मुहिम पर काम करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की चिट्ठी के बाद कांग्रेस में मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में वन मंत्री उमंग सिंघार को लेकर दिग्विजय सिंह का कड़ा रुख देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता के मामले में सोनिया गांधी और कमलनाथ कोई फैसला लें। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी राजनीतिक लड़ाई भाजपा की विचारधारा से है, मैंने कभी इस मामले में समझौता नहीं किया। एमपी के वन मंत्री उमंग सिंघार के बयान पर कि पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, पर छिड़े विवाद के बाद दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ कमजोर नहीं है, वो फैसले लेने में सक्षम है। मैं एक बात बता दूं आपको, कमलनाथ जी की शख्सियत वो नहीं है, वो इतने कमजोर नहीं है कि उनको और किसी की आवश्यकता पड़े। वहीं जब वन मंत्री से उनकी मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों में ये साफ कर दिया कि वो फिलहाल उमंग सिंघार से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा, मैं कड़वी नहीं हूँ, मीठी चाय पीता हूँ। वहीं जब वन मंत्री उमंग सिंघार से दिग्विजय सिंह से मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि अगर वो मिलने के लिए आते हैं तो उनका स्वागत है। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ। सही समझ में नहीं आ रहा थोड़ा ऐसा। दिग्विजय सिंह ने कहा, मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सभी अनुशासन का पालन करें, भाजपा को मौका ना दे। ये जब से शुरू हुआ है, जब से मैंने भाजपा पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा, मैं बीजेपी से डरने वाला नहीं हूं, मेरे खिलाफ कोई जांच भी नहीं चल रही है जो डरूं। दिग्विजय ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। गुजरात में लगे थे, इस तरह से अब यहां लगाए जा रहे हैं, और मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक प्रचंड फंसाव देगी। जैसे मेरे खिलाफ ना तो ईडी है, ना मेरे खिलाफ आईटी है, ना मेरे खिलाफ सीबीआई है, ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसलिए मैं क्यों डरूं इनसे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार से जनता परेशान हो चुकी है। सत्ता पक्ष के विधायक बता रहे हैं कौन मंत्री कितने पैसे खा रहा है। पूरी सरकार तबादला, पोस्टिंग, खनन और पैसा खाने में लगी है। कमलनाथ सरकार चलने लायक नहीं है, पता नहीं कौन सरकार चला रहा है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, पूरी सरकार और कांग्रेस लूट खसोट में लगी हुई है। सत्ता पक्ष के विधायक खुद बता रहे हैं मंत्री पैसे खाने में लगे हुए हैं। मंत्री बता रहे हैं किसका हिस्सा कितना है। प्रदेश बर्बाद हो रहा है, जिससे जनता परेशान हो रही है। मंत्री रेत खनन और ट्रांसफर में व्यस्त हैं। लूट की कमाई के हिस्सेदारी में झगड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से ये कारनामे हो रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश के विकास पूरी तरह से ठप हो गया है, जनता का कल्याण रुक गया है, योजनाएं सब बंद हो गई है, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। जन कल्याणकारी की योजनाएं, चाहे किसान हो, गरीब हो, माताएं बहने हो, भांजे भांजी हो, केवल लूट मची है और एक दूसरे को कौन कैसे मारे, ये सरकार चलने के काबिल नहीं है। और कौन किसको बर्खास्त करे अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चला कौन रहा है, और जिसने पाप किया ना हो वो पहला पत्थर मारे, तो पहला पत्थर कौन मारे, सवाल यही है। मध्य प्रदेश को बर्बाद होते हुए देख के मैं भी परेशान हूं, जनता भी परेशान है, और अब मन में गुस्सा है। अब जैसा हिसाब किताब बता रहे, कौन मंत्री कैसे पैसे खा रहा है, अब ये कांग्रेस के विधायक बता रहे हैं किसके ट्रांसफर में कौन कितने पैसे ले रहा है, कौन रेत लूट रहा है, कौन पत्थर गिट्टी लूट रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसा राज मध्य प्रदेश ने कभी नहीं देखा, और लूट की कमाई में हिस्सेदारी पे झगड़े हो रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खनन और शराब की नदियां बहाने में व्यस्त हैं, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, विकास पूरी तरह रुक गया है, जनता की सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद हो चुकी हैं, प्रदेश को कांग्रेस और कमलनाथ सरकार के मंत्रियों ने तबाह और बर्बाद कर दिया है।
कमलनाथ सरकार के मंत्रियों के बाद अब विधायकों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार को समर्थन दे रहे सपा विधायक राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया है कि सरकार के मंत्री बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। कब तक हम मुख्यमंत्री के पास हर काम के लिए जाएंगे, अब तो हमें भी शर्म आने लगी है। कांग्रेस में मची कलह पर छतरपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला ने फिर तीखे तेवर दिखाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को कांग्रेस से ही खतरा है। सपा विधायक शुक्ला ने कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों पर लिफाफा लेकर काम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री बिना लिफाफे के कोई कार्य नहीं करते हैं। मंत्री तुलसी सिलावट, कमलेश्वर पटेल, बाला बच्चन सहित 12-13 मंत्री हैं जो विधायकों के काम नहीं करते हैं। हम लोगों के काम तो मुख्यमंत्री कमलनाथ करते हैं। अब हम लोगों को शर्म आने लगी है कि कब तक मुख्यमंत्री के पास हर काम को लेकर जाएं। मैं तो पहले दिन से स्टेटमेंट दे रहा हूं कि कांग्रेस को कांग्रेस से ही खतरा है। हम लोग तो उसके बाद भी निष्ठा से कमलनाथ जी के साथ हैं और समर्थन दे रहे हैं, लेकिन आप चार दिन से देख रहे हो कि कांग्रेस की हालत क्या है। अपने कुछ मंत्रियों पर लगाम लगाएं, क्योंकि वह मंत्री खुलेआम अपनी दुकानें चला रहे हैं और बिना रुपया के कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज ही भिंड जिले के दो विधायकों ने, गोहस से रणबीर सिंह जाटव और कमलेश जाटव ने स्टेटमेंट दिया है कि तुलसी सिलावट का बेटा पैसा लेके काम कर रहा है और विधायक ने जो 8 महीने में काम दिए वो एक भी काम नहीं हुए। तुलसी सिलावट हैं, पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल हैं, आपके बाला बच्चन हैं और कितने लाम ले, ऐसे 12-13 मंत्री हैं कि इनको विधायकों से कोई लेना देना नहीं, इन्हें केवल लिफाफाओं से लेना देना है। जो लिफाफा दे के आएगा उसके काम करें। वही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बयान पर राजेश शुक्ला ने कहा कि हम गोपाल भार्गव जी का सम्मान करते हैं, लेकिन हम कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जिले के विकास कार्यों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बड़ी विडंबना है। जिले के 5 विधायक छतरपुर के कलेक्टर मोहित बुंदस के हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कलेक्टर को अब तक नहीं हटाया गया। अब हमने ही हार मान ली है। जबलपुर के सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष राकेश सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्हें मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे असहाय मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रदेश में कोई भी सीएम इतना असहाय नहीं रहा जितने कमलनाथ हैं। एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि कमलनाथ घोषित रूप से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस के और बड़े नेता वो भी इस प्रयास में हैं कि कमलनाथ ज्यादा समय तक सीएम ना रहें। उधर कमलनाथ इस प्रयास में हैं कि वे मुख्यमंत्री बने रहें। राकेश सिंह ने कहा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि सरकार ने प्रदेश में एक ही उद्योग स्थापित किया है, वो है तबादला उद्योग। अब यही बात कांग्रेस के मंत्री और विधायक भी कह रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ को खुद ही सीएम पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस आलाकमान से यह कहना चाहिए कि वो जिसे चाहे प्रदेश का सीएम बनाए। लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि कमलनाथ कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर वे ऐसा करेंगे तो उनकी ही पार्टी के लोग इस सरकार को चलने नहीं देंगे। ये केवल अपने विधायक और अपने मंत्रियों को ही उपकृत करने में लगे हैं। कौन मुख्यमंत्री होगा? घोषित रूप से कमलनाथ जी हैं, लेकिन बाकी के दो और बड़े नेता वो भी इस प्रयास में हैं कि कमलनाथ जी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री ना रहे। कमलनाथ जी इस प्रयास में हैं कि किसी तरह से मैं मुख्यमंत्री के रूप में बना रहूं, और इसी प्रयास के इर्द गिर्द ये पूरी सरकार घूम रही है। कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के विधायक खुद ही जब कह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ जी को असहायता से के स्वरूप से बाहर निकलना चाहिए और या तो इस्तीफा देकर कांग्रेस के नेतृत्व से वो कहें कि वो जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, लेकिन उनके भीतर की जिस अंतरकलह है कि हम बात करते हैं वो सामने है। उनके तमाम मंत्री और विधायक ही अब सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और दिग्विजय सिंह के करीबी रामेश्वर निखरा भी दिग्विजय सिंह के समर्थन में बयानबाजी पर उतर आए हैं। उन्होंने कांग्रेस में मचे घमासान पर कहा कि ऐसी बयानबाजी करना मतलब सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधना है।
मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ की नियुक्ति के लिए मारामारी और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी के कारण कांग्रेस में पहले ही घमासान मचा हुआ है। इसमें धीरे धीरे कांग्रेस के सभी नेता हाईकमान के निर्देशों की हवा निकालते हुए दोयम दर्जे की बयानबाजी पर उतारू हैं। पहले प्रदेश के पूर्व पार्टी प्रमुख अरुण यादव, दिग्विजय सिंह की चिट्ठी पर उमंग सिंगार के आरोप और अब दिग्विजय सिंह के करीबी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रामेश्वर निखरा ने बयानबाजी पर बयान दिया है। गाडरवारा के साई खेड़ा में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में शिरकत करने आए रामेश्वर निखरा ने कहा कि ऐसी बयानबाजी करना मतलब सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधना है। रामेश्वर निखरा का कहना है, हमारे मंत्री अगर भाजपा की भाषा बोले तो ये उचित नहीं है। इसका मतलब है कमलनाथ पर सीधा सीधा निशाना साध रहा है वो, कि कमलनाथ सरी का सक्षम आदमी, उसके होते हुए कोई पर्दे के पीछे सरकार नहीं चल सकती। सारे लोग यहाँ बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला सरकार में जो आज आए हुए हैं वह कार्यकर्ता, प्रदेश के जो कार्यकर्ता, वो सब पीछे से मदद करते हैं। आज मैंने भोपाल में एक बयान भी जारी किया है और उसमें इन सब बातों का जिक्र किया है कि सबसे पहले सुपर चीफ मिनिस्टर का नाम दिया था शिवराज सिंह ने, नरेंद्र सिंह ने। जिन लोगों ने ये नाम दिया उन्हीं की भाषा अगर हमारे मंत्री बोले तो ये उचित नहीं है। निखरा का कहना है कि इससे सीधे सीधे भाजपा को फायदा मिल रहा है। पर्दे के पीछे से दिग्विजय के सरकार चलाने वाली बात पर रामेश्वर निखरा का कहना है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पीछे से काम करता है। आरएसएस पर आरोप लगाते हुए निखरा ने कहा कि आरएसएस भी पीछे से भाजपा की मदद करती है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को लेकर हंगामा मचा हुआ है और नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस हाईकमान और बड़े नेताओं ने सभी से सार्वजनिक बयानबाजी से बचने को कहा है। ऐसे में पुराने कांग्रेसी अजीज कुरैशी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के समर्थन में सामने आए हैं और कमलनाथ सरकार के वन मंत्री उमंग सिंघार को बीजेपी का दलाल कहा है। कांग्रेसियों ने आलाकमान के निर्देशों को उठाकर ताक पर रख दिया है। पूर्व राज्यपाल कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी दिग्गी के समर्थन में सामने आए और वन मंत्री उमंग सिंघार के लिए कहा कि उमंग बीजेपी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर इंदिरा नेहरू का जमाना होता तो अभी तक उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता। कुरैशी ने दिग्विजय सिंह भारत का भविष्य बताया। अपने पिछले 60 साल राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इतना खेदजनक, निंदाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं देखी जैसा कि अभी हाल में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने माननीय श्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो जहर उगला है। ऐसा लगता है कि वो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नहीं हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, ये एजेंट हैं जो उनकी आवाज़ को कांग्रेस में उठा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में रखा जाए या न रखा जाए, ये मांगनी मुख्यमंत्री जी का
वो कांग्रेस हाई कमांड के सामने बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, सवारी का निशान है, उस पर गौर करना चाहिए। मध्य प्रदेश में मंत्रियों की बयानबाजी को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि सभी को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रियव्रत सिंह अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन में हिस्सा लेने जबलपुर पहुंचे थे। जबलपुर में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर कहा कि सभी कांग्रेस सदस्यों को सोनिया गांधी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सोनिया गांधी के आदेश का पालन करना पहला काम होना चाहिए। प्रियव्रत सिंह यहां मावे के अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर कहा कि मंदी के दौर में यह महिलाओं का प्रदेश को आगे लाने का पहला प्रयास है, इसमें सरकार भी उनका पूरी तरह से सहयोग करेगी। छोटे और लघु उद्योगों को सरकार मदद देने नई योजना भी लाएगी। SME के लिए बिजली बिलों में छूट और अन्य सहायता भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। जो एक महिला एंटरप्रेन्योर की मांग आई है कि जगह हम ऐसी सुनिश्चित करें जहां पर वो ऑफिस स्थापित कर सकें, जहां सरकार उनकी मदद कर सके, और ऐसी भी जगह हम सुनिश्चित करें जहां महिला उद्योग, चाहे वो छोटे उद्योग मतलब MSMEs हों या गृह उद्योगों के रूप में स्थापित हों। देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो निर्देश दिए हैं वो हर कांग्रेस के पदाधिकारी को मानना अनिवार्य है। सम्माननीय सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं और उनका जो निर्देश होगा वो हम सबके लिए सर्वमान्य होगा। बस्तर इलाके में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। कई इलाकों में हुई बारिश से घरों में पानी भर गया है और सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी है। जगदलपुर और पूरे बस्तर में लगातार चार दिनों से जमकर बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीती रात बारिश ने अपना कहर बरपाया। लोगों ने अपने जीवन में ऐसी बारिश नहीं देखी थी। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों के घर नदी नालों में तब्दील हो गए। लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। घरों के सामने खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई। लोगों के घरों में रखे बर्तन पानी में डूबते नजर आए। लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए। जगदलपुर में फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नाले खतरे के निशान के ऊपर चल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे और बस्तर में जमकर बारिश हो सकती है। निचली बस्तियों में रहने वालों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। बीते दो तीन दिन से काफी बारिश हो रही है। मैं अपने जीवन में कभी भी इतना बारिश होते हुए नहीं देखा। मेरा घर पूरा नदी नाले की तरह पूरा अंदर पूरा पानी पानी पड़ा था। इतना दहशत में हम लोग का पूरा परिवार रात को बीता है, कोई एक नींद सो नहीं पाए। भारी बारिश के कारण जगदलपुर में कलेक्टर निवास की दीवार एक घर पर गिर गई, जिसके कारण घर में सो रहे माँ बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लगातार बारिश से घरों में पानी घुस गया है। बारिश के कारण भैरव देव वार्ड में अपने घर में सो रहे एक परिवार के ऊपर कलेक्टर निवास की दीवार गिर गई। घर के तीन सदस्य बेटी माँ और बेटा सो रहे थे। अचानक दीवार गिरने से माँ बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है। इसकी जानकारी लगते ही मोहल्ले वालों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। रात को ज्यादा पानी गिरने की वजह से दीवार कलेक्टर बंगला का गिर गया। उसमें पांच सदस्य सो रहे थे, तो उसमें से दो जन मर गए, एक माँ और बेटा का मौत हो गई। एक हैरान करने वाली खबर भोपाल के संत नगर से है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही के चलते एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। गड्ढा इतना गहरा था कि युवक बाइक के साथ अंदर घुस गया। युवक ने स्थानीय पार्षद को फोन लगाकर घटना की जानकारी दी तो पार्षद पति ने कहा, मैं सो रहा हूं, परेशान मत करो, गड्ढे में गिरे हुए का फोटो भेजो, फिर देखते हैं। संत नगर बैरागढ़ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां एक ओर शहर में तेज बारिश हो रही है, वहीं कई जगह नगर निगम द्वारा गड्ढों को खुला छोड़ दिया गया है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। बैरागढ़ के वार्ड 4 में भी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां साधु बासवानी रोड पर स्कूटी सवार दो युवक स्कूटी के साथ ही गड्ढे में गिर गए। गड्ढा इतना गहरा था कि स्कूटी सवार दोनों युवक स्कूटी के साथ ही गड्ढे में घुस गए थे। घटना स्थल के पास दुकानदारों ने गड्ढों से युवक और बाइक को बाहर निकाला। गनीमत रही कि दोनों ही युवकों को गंभीर चोटें नहीं आई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो मैंने पार्षद जी को इस खड्डे के विषय में फोन लगाया, तो उन्होंने मुझे पहले कहा कि आप पे जो खड्डे में गिर के
मुझे फ़ोटो भेजिए, उसके बाद हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैंने दोबारा लगाया तो उन्होंने बोला अभी फ़ोन रखो, बाद में फ़ोन करो, अभी मैं सो रहा हूँ। खड्डे में मैं अभी उतरा और मेरी गाड़ी भी गिरी, मेरा नुकसान हुआ है। बिल्कुल भेजेंगे, पार्षद जी के ऊपर है, उनने समस्या को हल करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोला? हम लोग जान पूछ के ही गिरे हैं, हम लोग वैसे नहीं गिरे, हमने एक बैरिकेड हटाए हैं गिरने के लिए, क्योंकि एक फ़ोटो हमें करवाना था, इसलिए फ़ोटो करवाना था कि शायद ये बात गिरने के बाद ही ठीक होती तो हम दुर्घटना का इंतज़ार नहीं कर सकते, तो हम सावधानी पूर्वक गिरे। मैं खुद उसमें गया, ये बच्चा अंदर था, मैं पीछे इसके गया, और मेरी ये इच्छा है, मेरा ये निवेदन है, मेरा ये विनम्र निवेदन है माननीय पार्षद महोदय जी से, मेरी कोई बड़ी मांग नहीं है, जनता की मांग है, इस पुलिया को ठीक कराएं, जल्द से जल्द ठीक कराएं। पीड़ित ने इस समस्या के संबंध में क्षेत्रीय पार्षद भारती खटवानी से बात की तो उन्हें कोई माकूल जवाब नहीं मिला। पार्षद के पति महेश खटवानी ने कहा, मैं सो रहा हूं, परेशान मत करो, पहले गड्ढे में गिरे हुए फोटो भेजो, उसके बाद गड्ढों से सही करवाऊंगा। एयरपोर्ट के पास खेत में बने एक कुएं से अज्ञात महिला का शव मिला है। महिला विक्षिप्त अवस्था में कई बार गांधीनगर क्षेत्र में देखी गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में आज एक महिला का शव खेत में बने कुएं से पुलिस ने बरामद किया। राजा भोज एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर स्थित निजी जमीन पर यह कुआं बना हुआ है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि महिला कुएं तक कैसे पहुंची। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस महिला को विक्षिप्त अवस्था में कुछ दिन पूर्व गांधीनगर इलाके में देखा गया था। आज जब सोनू कुशवाहा नामक व्यक्ति ने महिला की लाश देखी तो तत्काल उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। कुएं में डेड बॉडी पड़ी हुई लेडीज की, FIR करी 100 को, जानकारी नहीं है सर इसकी। नहीं, कल देखा था मैंने पेट्रोल टैंक के ब्रिज के पास में, गुटखा मांगने आई थी दुकान के ऊपर सुबह 7 बजे, पहली थी बाल खुले हुए थे। थाना गांधीनगर के अंतर्गत एक कुएं में डेड बॉडी मिली है, जो विक्षिप्त महिला बताई जा रही है, जो घूमती रहती थी और भीख मांगने आया उसने, प्राइवेट हॉस्पिटल और एम्बुलेंस चालकों की मिली भगत के चलते मरीजों से अनाप शनाप पैसों की वसूली की जा रही है। एक एम्बुलेंस चालक ने कमीशन के चक्कर में मरीज को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। हालत ज्यादा खराब होने पर जब मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल से जाने की बात कही तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने मरीजों को लंबा चौड़ा बिल थमा दिया। ग्वालियर में इन दिनों मरीजों को अच्छे स्वास्थ्य और कम पैसों का लालच देकर आसपास के गांव के मरीजों को प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर उनसे हजारों लाखों रुपए की लूट खसोट की जा रही है। दतिया से एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए शहर के जयरोग्य हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी ने उस मरीज को जीवनश्री हॉस्पिटल में छोड़ दिया। बेबस मरीज अपनी हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती हो गया। बाद में मरीज की हालत और बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उस हॉस्पिटल से जाने की बात की, जिस पर हॉस्पिटल संचालक ने गरीब मरीज के परिजनों को हजारों रुपए का बिल थमा दिया। सर, एक एम्बुलेंस वाला था, दतिया से रेफर होकर मैं जिया जाना था, प्राइवेट थी सर, सरकारी एम्बुलेंस थी बट वहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो ये प्राइवेट वाला लेके आया और यहाँ पे जीवन श्री हॉस्पिटल छोड़ गया। हम लोगों ने कहा हमें जेएच जाना है तो बोला इसमें बेहतर इलाज होगा, कम पैसे लगेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। सुबह तक इसमें पता चला कि 3-4 हज़ार रुपये का ट्रीटमेंट डेली चलेगा, इतना हम लोगों के पास पैसा नहीं था और एम्बुलेंस वाला बगैर पैसे लिए भाग गया। जब हमने उनसे हॉस्पिटल में जानकारी ली तो ये लोग भी इनकार कर रहे हैं कि हम उसको नहीं जानते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। इन लोगों ने अभी मुझे 1 बजे डिस्चार्ज कर दिया। दूर दराज से आए लाचार अनपढ़ मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल ले जाने के नाम पर प्राइवेट अस्पतालों में छोड़कर एम्बुलेंस कर्मी भाग जाते हैं। बताया जा रहा है कि इन एम्बुलेंस कर्मियों की हॉस्पिटल से सांठ गांठ रहती है और कमीशन के चक्कर में मरीजों को सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। पुश्तैनी विवाद में दो भाइयों के बीच झगड़े में एक युवक की जान चली गई। आरोपी ने अपने ही भाई के घर जाकर पहले तोड़फोड़ की और विवाद बढ़ने पर गोली चला दी और गोली जाकर ड्राइवर को लग गई। छतरपुर के महाराजपुर में दो परिवारों के झगड़े में एक युवक की जान चली गई। मामला पुराने बाजार इलाके का है, जहां नगर पालिका में सफाई निरीक्षक संजेश नायक का अपने ही भाई इंदु नंदन नायक से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर सफाई निरीक्षक एक दर्जन सफाई कर्मियों को लेकर महाराजपुर अपने भाई के घर गए और उनके घर पर तोड़फोड़ कर दी।
तोड़फोड़ के विवाद में गोली चली और गोली संजेश नायक के ड्राइवर मनोज साहू को लग गई। गोली लगते ही अफरा तफरी मच गई और गोली लगने के बाद मनोज साहू की मौत हो गई। यहाँ हमारे दरवाजे के बाहर संजू नायक की आवाज़ सुनाई दी, जिसमें वो साथ में कम से कम 5-7 लोग लगवाए हुए थे। वो घर पर आए और उन्होंने किवाड़े में लात मारी। इस दूसरे कमरे में उन्होंने जहाँ किचन है हमारा वहाँ लातें मारी, और लातें मारने के बाद उन्होंने किवाड़े तोड़ डाले हमारे। गोली चलाई और वो गोली चलाई मेरे ऊपर थी, लेकिन लगी उन्हीं की आदमी को। मैं निकल के भागा, मैं सीधा थाने पहुँचा। कल रात में एक बर्थडे पार्टी थी महाराजपुर में जी, हम गए थे, राजू हमारे साथ में गया था। उसमें एक लड़के ने 2-3 महीने पहले, उनकी आपसी बंटवारा कोई भाइयों से विवाद है, तो उसको शंका थी कि हमारी वजह से नहीं हो पा रहा। उसने हमको फ़ोन पर गालियाँ लिया हैं, तो फोन बार बार मैसेज आ रहे थे कि आप आ जाओ, हमें माफ़ी मांगना है। तो हम लोग उसके यहाँ पहुँच गए। जैसे अंदर पहुँचे तो उनके माँ बाप से उसने कहा कि लोग आकर मारो गोली। मारना हमें चाह रहा था। राजू ने कहा, अरे ऐसा क्यों मार रहा भाई, क्या हो गया? मनोज साहू को गोली मार दी। पुराना बाजार मोहल्ला महाराजपुर में गोली चलन की घटना हुई, उसमें गोली मनोज साहू को लगी थी। मनोज साहू को इलाज को लाते समय उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल में उसका पीएम कार्रवाई हो रही है। सफाई निरीक्षक के भाई का आरोप है कि संजेश नायक ने गोली उन पर चलाई, लेकिन वह गोली चलने के बाद झुक गए और गोली उन्हीं के ड्राइवर को लग गई। उनके बेटे अश्वनी ने कोई गोली नहीं चलाई। वहीं सफाई निरीक्षक संजेश नायक अपने भाई और भतीजे पर गोली मारने का आरोप लगाया है। महाराजपुर थाना पुलिस ने संजेश नायक के भतीजे अश्वनी नायक पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव पूर्व जो भी वादे किए थे उसे पूरा किया जाएगा। कर्ज माफी जैसे बड़े वादे हमने पूरे किए हैं। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाएगा और डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। बस्तर जिले के बंडाजी में आयोजित कोटवारों एवं ग्राम पटेलों के सम्मेलन में पहुंचे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जन घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा करने की बात कहते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव पूर्व जो भी वादे किए थे उसे पूरा किया जाएगा। कर्ज माफी, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, तेंदुपत्ता का मूल्य बढ़ाने और टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित की गई भूमि वापस करने जैसे बड़े वादे हम पूरा कर चुके हैं। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लेकिन तीन मरीजों को हम लोगों ने गद्दा लगा के फर्श पे भी लेटे हुए देखा, तो कारण ये था कि 30 से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। तो दोनों परिस्थितियां हैं, जितने मरीजों के लिए इसकी प्लानिंग हुई थी 130 बस्तर के लिए मेडिकल वार्ड की, आज उससे ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, तो उनकी भी सेवा हो रही है। एक तरफ है कि जमीन में लेटे हुए लोग दिख रहे थे, गद्दा था पर जमीन में थे, चादर नहीं थी और कमियाँ थी। यही सब है जिसको पूरा करना है। क्या अगर चुनाव नज़दीक है तो ये गतिविधियाँ चुनाव से भी जुड़ती हैं, स्वाभाविक है। कल हम लोग एक चुनाव के सिलसिले में आए ही थे, दंतेवाड़ा में विधानसभा का चुनाव था, चित्रकूट में भी चुनाव आने वाले समय में है, तो आज जो भी बात होगी स्वाभाविक है कि वो चुनाव से जुड़ के देखी जाएगी। चुनाव नहीं भी होता और इस समय आते और लोग कुछ मांग रखते तो वो भी स्वीकृत। सिंहदेव ने जगदलपुर के महारानी हॉस्पिटल को भी सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए किए जा रहे कामों की चर्चा की। इस आयोजन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने पट्टे और जाति प्रमाण पत्र भी हितग्राहियों को वितरित किए। इस मौके पर टीएस सिंहदेव के साथ राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एवं सांसद दीपक जैन भी मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्लन भाई, भोपाल तो शिमला हो रही है, लद्दाख हो रही है, ये सब लगातार झमाझम पानी चल रहा है, मजा आ रही है बता रहे हो। पूरे ताल तलैया अल्लाह वाला सबके गेट खुल गए। मैंने सोचा कि कल चलो मैं गेट देखने जाऊँ कैसे खुलते हैं। मैं गया तो मेरे घर का गेट बंद था, निकल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने घर का गेट खोला, हम गणेश जी को लेने जाना था, मैं गणेश जी की स्थापना करनी थी। फिर लेके आया मैं, गणेश जी ने रास्ते में मेरे से बातचीत करी बहुत। हाँ, उनको स्कूल लग रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे सड़कों पे। मैंने कहा चिंता मत करो गणेश जी, अभी क्या नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सबको देख लेंगे हम, सब सुधरवा लेंगे।
और मैं बता रही हूँ असली लोकतंत्र कांग्रेस में गुटबाजी खुल के चलती है, बता रहा हूँ इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उमंग सिंघा जो मंत्री है उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं। हमें बता रहा, चिट्ठियां लिखने का जमाना है कि आप ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, ये कहाँ पुरानी चीज है चिट्ठियां विट्ठियाँ। और दूसरा उस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल हमारी सोनिया जी चलाती थी, हमने भी रिमोट चला दिया, इसमें कौन सी नई बात है। और ये खबर ये देखो चंद्रमा पे है जो चंद्रयान टू हमने भेजा है, उसका अब ये लैंडर है ना अलग हो गया है, कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, बहुत पास पहुंच गया चंद्रमा के। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो कक्षा से बाहर ही निकल जाते हैं, हर बार कोई भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ, इस पर कांग्रेसी नेताओं कह रहे हैं कि हमें इसरो से हेल्प लेंगे जरूर, वहाँ से कुछ नया नियम लाएंगे ताकि है ना इनके ट्वीट सही जगह पे जाएं। हाँ, भैया खबर ये देख लो, चिदम्बरम जी अभी जेल जा तिहाड़ जाते जाते बच गए। बता रहे हूँ ये नेता लोग ये जो अपनी है जो घोटाले वोटाले करते रहते हैं, आखिर में इनको अंत समय में जेल में जाना ही पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ जेलों को 5-स्टार बनाओ, बेहतरीन सुविधाएं करो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, जब आखिरी टाइम वही निकालना है। ये खबर ये देख लो मजेदार, रीवा की जो लता टंडन जी है 72 घंटे लगातार खाना बनाएंगी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है गिनीज बुक में। ये रिकॉर्ड पहले एक अमेरिकन के नाम पे था। मैं बता रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे कि भैया हम तो अब यहाँ रीवा में शादी करेंगे, वहाँ की लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती है। अब देखो ऐसे तो बात ही ऐसी ऐसी बातें शुरू कर देते हैं लोग। और ये खबर ये देखो, बेंगलोर में एक आर्टिस्ट है वो अंतरिक्ष यात्री बन के है ना सड़कों पर उतरे, वहाँ की उबड़ खाबड़ सड़कें थी, गड्ढे थे उनमें, अब वो मैसेज देना चाह रहे थे वहाँ की सरकार को कि भैया इनको ठीक करो, ये कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ये खबर देखो, पीएम साहब की जो चाय की दुकान है वडनगर में, जहाँ से उन्होंने चाय की दुकान चाय बेचते थे पहले, वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा। अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो प्रहलाद पटेल जी हैं वडनगर पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने पीएम साहब की जो दुकान देखी चाय बना जहाँ चाय बनाते थे चाय बेचते थे, उन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी सोच रहा हूँ पकौड़े वकौड़े ही डाल लूँ दुकान, कहीं हाँ भविष्य में पीएम बन गया तो। हाँ, ये खबर ये देख लो कि ट्रैफिक नियमों में बड़ा है ना बदलाव हो गया है, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए हैं, हेलमेट नहीं पहनोगे 1000 रुपये, शराब पी किया वो 10000 रुपये, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलो 5000 रुपये। और मैं बता रही हूँ ये नौबत क्यों आती है, एक अच्छे नागरिक बनो ना, हेलमेट खरीद लो 1000 रुपये में तो बढ़िया हेलमेट आ जाएगा, है वो पहन के अपनी भी जान बचाओ दूसरों की भी बचाओ। ये कट मार के निकलती हैं ऐसे, कहीं ओवरटेक करेंगे लाल बत्ती का कोई ख्याल नहीं रखेंगे, एक अच्छे नागरिक बनाओ यार, जरूरत ही नहीं पड़े जुर्माना उर्माने की। हाँ, वही यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, अब मुझे पता है क्यों कर दिया है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कहाँ से इतना लोग पीस देंगे बताओ, मंदी चल रही है, ये तो चल रहा है। मैं तो चला भैया, मैं अपना लाइसेंस रिन्यू करा लूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।